फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है, फॉलो करना है वीडियो की। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस पर गर्स इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पासवर्ड एक सिक्योरिटी, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिंगर पैटर्न पर सिलेक्ट करके आप अपने फोन में यहाँ से फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। जो आपने पासवर्ड लगा रखा है आपको यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फोन में फिंगर लगाना है। तो आप अपने फोन में फिंगर लगाएंगे, रिमूव करेंगे, जो हमारे फोन में यहाँ पर फोन में फिंगर हमारा अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमें ऑप्शन देखने में था फोन में डन का, तो हमें डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार आपको अपने फोन में फिंगर लगाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने में था फोन में ऐड फेस डाटा। अगर आपको फेस लॉक ऐड करना है फिंगर के साथ में तो आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। हमारे फोन में फिंगर पैटर्न ऐड हो चुका है। आई होप अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब।